नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में किसान संगठनों ने लघु सचिवालय के बाहर 24 घंटे के लिए पड़ाव डाला। पराली मामले को लेकर के किसानों पर दर्ज किए गए केस को वापस लेने की उठाई मांग। सरकार और प्रशासन के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि आगामी आंदोलन को लेकर के 28 नवंबर को बैठक कर लिया जाएगा बड़ा फैसला। दिल्ली में 29 और 30 नवंबर को होने वाली किसान संगठनों की कन्वेंशन में उठाया जाएगा पराली का बड़ा मुद्दा। प्रशासन ने के लिए अगर वापस केस नहीं लिए हैं तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबो की विशेष रिपोर्ट। आज हमने ये किसान संघर्ष समिति के बैनर के नीचे जो हमारी ये जथेबंदी है जमहूरी किसान सभा पंजाब से संबंधित है, उसके बैनर के नीचे हमने ये धरना शुरू किया है। ये धरना हमने जो पराली के मसले पे किसानों पे नजायज पर्चे बना दिए गए, क्योंकि 3 सालों से किसानों ने ये मांग की थी कि पराली का समाधान सरकार करे, पर सरकार ने समाधान नहीं किया, उल्टा किसानों को आपराधिक मामले दर्ज कर दिए। वो आपराधिक मामले जो दर्ज किए उन्हें रद्द करवाने के लिए साथ के साथ जो खराब फसलों का मुआवजा बीमा कंपनियाँ किसान की मर्जी के बगैर ही बैंक से बीमा काट लेती है, मगर जब बीमे की फसल खराब हो जाती है तो बीमा किसान को नहीं मिलता, उसका खराबा दिलाया जाए और बीमा कंपनियों की ये लूट बंद की जाए जो मनमर्जी से पैसे बिना किसान की मर्जी से पैसे बैंकों से काटे जा रहे हैं। और दूसरा तीसरा जो धान की फसल पे बोनस दिया है वो किसानों के साथ सरकार ने मजाक किया है। उन्होंने शर्त लगा दी, जो जिसने 5 नवंबर के बाद धान बेचा है उसे देंगे, पर उसे भी पूरा नहीं देंगे, पर उसमें जिसने पराली जलाई है या नहीं जलाई है ऐसा मान लो उसकी शर्तें लगा दी है। मगर इन सारी तमाम मांगों को लेकर हमने जिसे आज पड़ाव शुरू किया है, 24 घंटे हम यहाँ बैठेंगे, यदि हमारी बात ना मानी गई तो इसको निश्चितकालीन करेंगे। और इस बार किसान झुकेंगे नहीं, किसानों को थाने में बुलाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। जो किसान अन्नदाता है, जो देश का लोगों का पेट भरता है, आज उसे आपराधिक बना रही है खट्टर सरकार। इसे इन मुकदमों को रद्द करवाने के लिए किसान आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मामले जो दर्ज किए जा रहे हैं तो आज आपने उसको लेकर क्या रोष कर रहे हैं? आज 24 घंटे हमने डीसी कार्यालय पर बैठेंगे, कल 12 बजे हम अगली रणनीति तय करेंगे और हम सरकार को मामले रद्द करवाने के लिए हमने रैना सत्र पर एक मोर्चा बना लिया जिसमें लगभग 20-21 संगठन है और हम इसको बड़ी लड़ाई रैना लेवल की देंगे। आगामी क्या रह सकता है? 29-30 को दिल्ली में एक कन्वेंशन है पूरे ऑल इंडिया के किसान संगठनों की और इस पर हमने सभी किसान संगठन मिलकर लड़ेंगे और इसको हरियाणा सत्र पे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे पर्चे रद्द करें। लेकिन इलेक्शन में मुद्दा उठाया जा सकता? बिल्कुल, उनमें यही मुद्दे किसान खेती के संबंधित मुद्दे हैं जिसमें 200 से ज़्यादा संगठन शामिल होंगे और ये धरने को हम अनिश्चितकालीन करने पर कल विचार कर सकते हैं यदि हमें प्रशासन ने कोई उचित कोई जवाब ना दिया तो। आपराधिक बनाने वाले किसान को डराया जा रहा है, थाने में बुलाया जा रहा है जैसे उसने पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया। जहाँ नशा बेचने वाले शरेआम खुल्ले में खुला घूम रहे हैं, पता नहीं डीसी साहब को कौन नशा बेचता है, सारे प्रशासन को पता है जहाँ नशा बिक रहा है और छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है, किसान इनको अपराधी नजर आ रहे हैं। किसी भी किसान की गिरफ्तारी जिन्होंने की तो हमें थानों को घराव करेंगे और ये भी हो सकता है अनिश्चितकालीन के लिए डीसी दफ्तर का घराव करें। ये प्रबंध प्रशासन ने करना था, पराली वाला आप कोर्ट के पढ़ो जो गाइडलाइन है उसमें कह गया पहले सरकार साधन देगी किसानों को, यदि साधन दे दिए और किसान ने फिर पराली जलाई फिर तो मुकदमा बनता है, साधन नहीं दिए मुकदमा किस बात का बनता है? बिल्कुल, अभी हमने आज आगामी रणनीति के लिए हम बैठे हैं और बिल्कुल बड़ी लड़ाई देंगे, किसान बड़ी तादाद में आएंगे।